नमस्कार, शेष भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तरकाशी, जहां इस वक्त जिंदगी को बचाने की जंग चल रही है, क्योंकि सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन हाँ, राहत की बात यह है कि वो सभी मजदूर सुरक्षित हैं। जब से सुरंग के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं, तब से थोड़ी राहत की सांस जरूर ली जा रही है कि हाँ, वो जिंदगियां बच जाएंगी। और इस वक्त सुरंग के अंदर फंसी हुई हैं वो जिंदगियां जो सुरक्षित हो सकेंगी, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि अब सुरंग के अंदर उन्हें खाना भी पहुंचाया जा रहा है। पिछले दिनों हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी कि कैसे उन्हें दलिया और खिचड़ी 6 इंच पाइप के जरिए भेजी जा रही है, लेकिन अब उन्हें वेज पुलाव, मटर पनीर और मक्खन लगी चपाती जैसा ठोस खाना भी दिया जा रहा है। ये सारा खाना भी 6 इंच चौड़े पाइप के जरिए ही भेजा जा रहा है और ये सब डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है। दरअसल 9वें दिन तो सिर्फ खिचड़ी और दलिया ही मजदूर को मिल पाया था, लेकिन 10वें दिन डिनर में बेहद खास खाना मजदूरों को दिया गया, जिसकी पूरी डिटेल भी आपको बता देते हैं। मजदूरों को मिला लजीज खाना। सुरंग में फंसे मजदूरों को वेज पुलाव, मटर पनीर, बटर चपाती, फल में संतरे, केला, सेब और जूस दिया जा रहा है। दरअसल ये सारे पौष्टिक आहार इस वक्त मजदूरों को दिए जा रहे हैं, जिसके बारे में खुद रसोइये ने बताया जो मजदूरों के लिए खाना बना रहा है। दरअसल एक स्थानीय होटल को मजदूरों के खाना बनाने का काम दिया गया है, जो डॉक्टर की निगरानी में खाना बना रहे हैं, जिसे लेकर रसोइयों ने बताया कि भोजन पकाने से लेकर भोजन भेजने तक डॉक्टरों की टीम निगरानी करती है और फिर भोजन मजदूरों तक पहुंचता है। हमने उनके लिए वेज पुलाव बनाया और मटर पनीर बनाया और चपाती बनाया, बटर चपाती, और ये 3 चीज़ें दी हमने। हाँ, प्रॉपर हमने उनको पैक करके भेजा, एक पोर्शन के हिसाब से भेजे कि एक आदमी के लिए 2 रोटी, एक आदमी के लिए 1 राइस और 1 सब्जी। हाँ बिल्कुल दिया गया था, और हमने उनके लिए साफ सफाई से एकदम अच्छे से उनके लिए तैयार किया था। कम उनको मिर्ची वाला चाहिए था, कम मसालेदार, कम तेल चाहिए था उनको। बटर चपाती दिया था, चपाती बटर लगा के। एक आदमी के लिए 1 पोर्शन था, इतना ही चावल था जितना आप देख रहे हो, 1 पर्सन के लिए इतनी सब्जी थी। हाँ, क्योंकि पाइप का ये उन्होंने बताया था कि पाइप का छेद छोटा है, इसलिए इतना देना है कि जो उसके अंदर मतलब आसानी से पहुंच जाए। दरअसल खाने के लिए 150 पैकेट तैयार किए गए थे, जिसमें मजदूरों के लिए आसानी से पचने वाला भोजन बनाया जा रहा है। और अब पुलाव से लेकर रोटी, सब्जी, फल फ्रूट से लेकर पानी और पानी से लेकर ऑक्सीजन तक, ये सभी चीज़ें उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचाई जा रही हैं। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम ने 2 दिन पहले 20 नवंबर को 6 इंच का पाइप मलबे की दूसरी तरफ पहुँचाया था। तब से मजदूरों को खाने पीने की सभी चीज़ें पाइप के जरिए भेजी जा रही हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे को 11 दिन बीत चुके हैं, क्योंकि 12 नवंबर को सिलक्यारा से बरकोट तक निर्माण हो रहे सुरंग का हिस्सा धस गया था, जिसके बाद मलबा गिरने से 41 मजदूर सुरंग में फंस गए थे। और अब अंदर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बड़ी तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लेकिन हाँ, सुरंग में सुरक्षित मजदूरों की तस्वीरों ने थोड़ी राहत जरूर दी है और उम्मीद है कि ये सभी मजदूर जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे, जिसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।